नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूनम शुक्ला। गुजरात में इन दिनों एक 43 साल पहले का मामला खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल यहां पर एक व्यक्ति ने आज से करीब 43 साल पहले फर्जी मार्कशीट के जरिए एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, MBBS की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टरी भी करता रहा। करीब 41 साल पहले इस मामले का खुलासा हुआ और इस व्यक्ति पर केस दर्ज किया गया। इस व्यक्ति का नाम है उत्पल पटेल। गुजरात के एक कोर्ट ने 41 साल पुराने इस मामले को लेकर उत्पल पटेल को दोषी माना और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई। आपको बता दें कि साल 1980 में उत्पल पटेल ने अहमदाबाद के CN स्कूल में 12वीं की परीक्षा दी थी। रिजल्ट में उनको 48% मार्क्स हासिल हुए थे, जो मेडिकल कॉलेज जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लेकिन उत्पल पटेल हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कॉपी को दोबारा चेक करने की रिक्वेस्ट डाली, लेकिन उनके नंबर फिर भी सेम ही थे। इसके बाद फर्जी उत्पल पटेल के दिमाग में फर्जी आइडियाज आने लग गए और उन्होंने 48 को 68% बनाकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। इसके बाद साल 1984 में उनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज की गई। इसके बाद कोर्ट में केस चलता रहा। 41 साल बाद कोर्ट ने उत्पल पटेल को अब दोषी माना है और उन्हें सजा भी सुनाई है। बता दें कि उत्पल पटेल का फर्जी मार्कशीट वाला ये गड़बड़ झाला जब पकड़ा गया तो उन्होंने अपने राज्य से बाहर निकलकर दूसरे राज्य में जाकर मेडिकल में एडमिशन लिया। इसके बाद वो वहां पर डॉक्टर भी बने। तब से लेकर आज तक वो पेशे से डॉक्टरी कर रहे थे। जिस दौरान उत्पल पटेल ने ये सारी गड़बड़ी की, उस दौरान उत्पल की उम्र महज 17 साल की उम्र में उत्पल को डॉक्टर बनना था, इसीलिए अपने जो स्कूल में उसके मार्क्स आए थे 48%, उसको उसने 68% दिखाकर दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया और डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके वो एक डॉक्टर भी बना और आज तक वो डॉक्टरी करता आ रहा था। सबसे पहले उत्पल पटेल ने गुजरात के ही अहमदाबाद के एक बेहद ही बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया, पढ़ाई भी शुरू कर दी। जब एडमिशन के बाद विद्यार्थियों के दाखिले की स्क्रूटनी हुई, इसमें पाया गया कि मार्कशीट गलत है। इसके बाद उत्पल पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। जैसे ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, उत्पल पटेल गुजरात से भागकर तमिलनाडु चला गया और वहीं पर कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां पर पढ़ाई कर डॉक्टर बन गया। इस दौरान गुजरात में केस चलता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ उत्पल पटेल लगातार अपनी डॉक्टरी भी करता रहा। यानी कि जब उत्पल पटेल पर केस दर्ज हुआ तब वो 17 साल का था, लेकिन आज उनकी उम्र 60 साल की हो चुकी है। इस मामले में कोर्ट ने स्कूल से लेकर गुजरात शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों की गवाही के बाद पूरी तरह से पाया कि आरोपी डॉक्टर उत्पल पटेल ने फर्जी मार्कशीट के जरिए कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की, इस तरीके से अगर मेडिकल पेशे से जुड़ा कोई व्यक्ति समाज में गुनाह करता है तो इसका समाज पर बेहद ही बुरा असर पड़ता है, इसीलिए आरोपी को किसी भी तरीके से कोई भी राहत नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा इस दौरान सरकारी वकील ने भी कहा कि कोर्ट ने जितने भी आरोप उत्पल पटेल पर लगाए गए थे उन आरोपों को सबूतों के साथ सही पाया गया है। उत्पल पटेल ने फर्जी मार्कशीट के गलत तरीके से मेडिकल में दाखिला लेने की बात भी अब साबित हो चुकी है। यही नहीं, सरकारी वकील ने कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि जो उत्पल पटेल है उसे किसी भी तरीके से कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने समाज को जो संदेश दिया है उसका असर बेहद ही गलत जा सकता है। आपको बता दें कि उत्पल पटेल के खिलाफ स्कूल से लेकर उसके कॉलेज तक के टीचर्स ने उसके मामले में गवाही दी है, जिसके बाद ये आरोप सही सिद्ध हुए और उत्पल पटेल को आखिरकार अब 41 साल के बाद 60 साल की उम्र में 3 साल की सजा हुई है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये धोखाधड़ी उत्पल पटेल ने अपने कॉलेज, स्कूल और अपने माता पिता को ये धोखाधड़ी की और फिर उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया और उसने बाकायदा 41 साल तक डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज भी किया और वो अपनी डॉक्टरी जारी रखे हुए था। इससे पहले उसने जब अहमदाबाद के कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पर उसकी जो चोरी थी वो पकड़ी गई, जिसके बाद ये मामला पुलिस तक गया। लेकिन उसने पुलिस को चकमा दिया और वो गुजरात से फरार होकर तमिलनाडु में रह रहा था और वहीं पर उसने एडमिशन लिया और आज वो 60 साल के बाद पुलिस की गिरफ्त में एक बार फिर आने की नौबत आ चुकी है और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है।